दोस्तों मिर्च मसाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम आपके पास एक मालपुए की रेसिपी लाए हैं जो कि हम बनाएंगे शुगर सिरप में ड्रिप करके, यानी चाशनी वाले मालपुआ। हमारे चैनल में बहुत सारे मालपुए की रेसिपी है और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है, उसके लिए धन्यवाद। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो आइए सामग्री पर ध्यान देते हैं। यहाँ हमने लिया है कुछ किशमिश और काजू जिसे हमने छोटे छोटे काटे हुए हैं। साथ में हमने लिया है एक कप मावा जिसे हमने दूध में मिलाकर थोड़ा गाढ़ा और सॉफ्ट कर लिया है, इससे हमें मैदे में मिलाने में आसानी होगी। इसके साथ हमने लिया है इलायची, मैंने 2-3 इलायची को पीस कर पाउडर बना लिया है। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच इलायची लिया है और साथ में लिया है केसर। केसर ऑप्शनल है पर अगर आप इसे यूज करेंगे इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ हमने लिया है 1 कप मैदा, साथ में हमने लिया है सौंफ। अगर आपको सौंफ का स्वाद पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। हमने 1 कप चीनी लिया है जो हमें चाशनी में लगेगा और हमने लिया है 3 चम्मच सूजी, 1/2 ग्लास पानी और 1/2 ग्लास दूध। तो आइए इन सभी सामग्री के साथ हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उस बाउल में हम डाल देंगे सारी सामग्री, जैसे कि हमने इसमें डाला मैदा, साथ में हमने इसमें डाला सूजी, सौंफ भी हमने डाल दिया, आप चाहें तो सौंफ स्किप कर सकते हैं, और इन सबको हम एक बार अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे मावा और साथ में हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप चाहें तो चाशनी बनाते वक्त भी डाल सकते हैं, और इन सबको फिर से हम एक बार अच्छे से मिला देते हैं। हमारा एकदम अच्छे से मिल चुका है, तो अब हम इसको दूध की मदद से एक बैटर को रेडी करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है कि इसमें लंप ना रहे। और ये देखिए हमने एकदम बैटर को रेडी कर लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, ये एकदम स्मूथ बैटर होना चाहिए, एकदम लंप फ्री होना चाहिए। इसके लिए आप बीटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। और अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स और हम इसे अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद हम इसे करीब 3-4 घंटे के लिए इसी तरह रेस्ट होने छोड़ दें। जब तक हमारा बैटर रेस्ट हो रहा है हम यहाँ चाशनी बना लेते हैं। मैंने चाशनी का प्रोसेस आपको डिटेल में नहीं दिखाया है। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी और 1 कप चीनी लिया है, और चीनी के प्रयोग से मैंने एक चाशनी बनाई है। आप जब मालपुआ चाशनी में डिप करेंगे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी चाशनी गर्म होनी चाहिए। आइए हम अपने बैटर से मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। एक बार बैटर को अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपको इसमें और दूध या पानी की जरूरत पड़े तो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने तेल यानी सनफ्लावर ऑयल गर्म होने दिया है। मालपुआ में थोड़ा ज्यादा लगेगा फ्राई करने के लिए क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना होता है। और जब हमारा तेल गर्म हो जाए अच्छे से तब हम इसमें डालेंगे बैटर। आप एक बड़े चम्मच के मदद से इसे बीच में बैटर डालिएगा गरम तेल में, और ये खुद ब खुद स्प्रेड हो जाएगा और गोल आकार ले लेगा। ये देखिए मालपुआ को हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। आप चाहें तो एक साथ 2 मालपुआ भी बना सकते हैं, जितना आप हैंडल कर सके आप उतना बनाइए। और जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपको इसे फ्लिप कर देना है। तो ये देखिए ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया, मैंने इसे फ्लिप कर दिया है। और जब ये अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे ट्रे तेल से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा तेल को हम ड्रेन कर लेंगे। और इसी प्रकार से हम बाकी के बचे सारे बैटर से मालपुआ रेडी कर लेंगे। मालपुआ को हम चाशनी में डिप करते जाएंगे। चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए जैसे कि मैंने पहले कहा था, और जैसे ही हम मालपुआ को तेल से निकालेंगे हम इसे तुरंत चाशनी में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने सारे मालपुआ को चाशनी में डाल दिया है।
और इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे चाशनी से निकाल लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम हमेशा इसी तरह कनेक्टेड रहें। धन्यवाद।